हेलो फ्रेंड्स, पिछले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पेशेंट की एंट्री किस प्रकार करना है, और आज हम सीखेंगे कि पेशेंट की एंट्री करने के बाद प्रोटोकॉल किस प्रकार ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट की एंट्री करने के बाद एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो के आएगा। उसके बाद हम को जो भी केस करना है तो सर तो इस स्काउट के ये उसी पार्ट पर क्लिक करेंगे जिसका कि हमें प्रोटोकॉल ऐड करना है। तो हमें एब्डोमन करना है, तो उसके लिए हम एब्डोमन के पार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोटोकॉल्स खुल के आएंगे। उसके हिसाब से फिर हम अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, तो हमें उसके हिसाब से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना होंगे। तो और इस प्रकार हम पेशेंट का प्रोटोकॉल ऐड कर सकते हैं। प्रोटोकॉल ऐड करने के बाद इसके बाद हम पेशेंट को वो स्टडी करने के लिए इस प्रकार का पेज ओपन हो गया आएगा। धन्यवाद।